हाय एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल तो आज हम सिक्सटीन ऑफ जून 2021 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस एंड प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो और ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करें विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेलाइकन सो लेट्स के स्टार्टेड विद द न्यूज़ तो आज मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स आर रिलेटेड टू यू क्योंकि बेल ग्रांट हुई है थ्री स्टूडेंट एक्टिविस्ट को इन यू केस डेली पुलिस टू मूव सुप्रीम कोर्ट ठीक है अभी सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और हाई कोर्ट जो दिल्ली हाई कोर्ट है उन्होंने ने ग्रांट दी है तो पहले ये सब न्यूज डिस्कस करने से पहले हम जो अपनी डेली न्यूज़ है वो देख लेते हैं द मेन हेडलाइंस जो आज की हैं वो उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट डे भी आज सेलिब्रेट किया जाता है तो गुरु अर्जुन देव ठीक है गुरु अर्जुन देव इनको शहीद दिवस भी आज मतलब बोला जाता है इन, इन शहीदी दिवस बोलते हैं एंड हु वाज गुरु अर्जुन देव तो गुरु अर्जुन देव बॉर्न हुए थे फिफ्टीन सिक्सटी थ्री में गोइवॉल और तार तारन, तारन डिस्ट्रिक्ट एंड उनके जो मेटरनल ग्रैंड फादर थे वो गुरु अमरदास थे जो थर्ड सिख गुरु थे एंड हिज फादर वाज गुरु रामदास जो फोर्थ गुरु ऑफ सिक्स थे और ये फिफ्थ गुरु थे ठीक है गुरु अर्जुन देव फिफ्थ गुरु थे इन ही वाज फर्स्ट मेरिटेड ऑफ द सिंह सिख रिलीजन एंड वाज एग्जीक्यूटेड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ जहांगीर जो मुगल एम्प्रर जहांगीर था तो उसके आदेश के बाद इनका एग्जीक्यूशन हुआ था एंड इनका जो मेजर अचीवमेंट था वो ये था कि इन्होंने कंपाइलेशन किया था जो सिख स्क्रिप्चर्स है जिसको आदि ग्रंथ बोला जाता है या फिर जिनको गुरु ग्रंथ साहिब भी बोला जाता है तो इस इनके फर्स्ट एडिशन का कंपाइलेशन इन्होंने इन किया था एंड लेटर आदि ग्रंथ वॉज इन हरमिंदर साहिब एंड गुरु अर्जन देव वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ़ द गोल्डन टेम्पल अमृतसर ठीक है तो गोल्डन टेम्पल अमृतसर में भी ये इन्होंने ही मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है गुरु हरगोविंद सिंह सक्सीडेड हिम एज दिक्स गुरु ऑफ सिक्स ही वॉज गुरु अर्जन देव सन तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट गुरु अर्जन देव के बारे में थे इसके बाद हम जो मेन जो हेडलाइंस हैं ब्रीफली वो देख लेते हैं एक बार इंडिया अचीव मेजर माइलस्टोन ऑफ बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग ट्वेंटी सिक्स करोड़ डोजेस ऑफ कोरोना वैक्सीन एडवांस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नॉट मैंडेटरी तो कोरोना के लिए जो प्रॉब्लम हो रही थी लोगों की बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी कर रहे थे कि आ, मतलब सबको ऑन द स्पॉट जाके ही रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए तो अब गवर्नमेंट ने मेनली क्लियरली ये बोला है कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर कि प्री रजिस्ट्रेशन फॉर वैक्सीन थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रायर बुकिंग अपॉइंटमेंट ये मैंडेटरी नहीं है जो भी अट्ठारह साल से या फिर अट्ठारह साल का है या इससे ऊपर है वो डायरेक्टली नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर में जा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ठीक है गवर्नमेंट ने सिंप्लीफाई किया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर एम एंड गवर्नमेंट कमिटेड टू टेक योगा टू एवरी सिटीज़न तो डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे फैमिली एंड वेलफेयर मिनिस्टर हैं तो इनका कहना है कि आ, योगा की एक्सेप्टेंस वर्ल्ड वाइड होनी चाहिए और इनाग्रल uh, सेरेमनी जो ग्लोबल योगा कॉन्फ्रेंस ट्वेंटी ट्वेंटी वन की ये एड्रेस uh, कर रहे थे ठीक है बेनीफिट ऑफ़ योगा ये सब तो हमें पता है सेवंथ इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाएगा कब किया जाएगा ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ़ जून को ठीक है सेवंथ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा होगा ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ़ जून को एंड राजनाथ सिंह री इम्फेसाइज इंडिया कॉल फॉर ओपन एंड इंक्लूसिव ऑर्डर इन इंडो पैसिफिक रीजन ठीक है ये मैं एक्चुअली ऐप में देख रही हूँ इस वजह से ये इस वाले मोड में है नहीं तो ठीक है इसमें मतलब रोटेट नहीं होती है न्यूज़ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह री इम्फेसाइज इंडिया कॉल फॉर ओपन एंड इंक्लूसिव ऑर्डर द इंडो पैसेफिक रीजन तो ये एड्रेस कर रहे थे क्या एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस तो यहाँ पे एशियन कंट्रीज़ आपको पता होंगी कि कौन कौन सी हैं अगर नहीं पता है तो अभी देख के आप कमेंट कर सकते हो कौन कौन सी एशियन कंट्रीज़ हैं और अगर एशियन प्लस आ जाता है तो वो कौन सी कंट्रीज़ हैं ठीक है ठीके? ये क्या है एक डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग्स होती है प्लस जिसको बोलते हैं एशियन एशियन के बाद क्या हो जाता है डिफेंस दि मिनिस्टर मीटिंग एन प्लस ठीक है तो ये एक फॉरम है जिसमें टेन एशियन मेंबर कंट्रीज होते हैं एट पार्टनर नेशंस होते हैं इंक्लूडिंग इंडिया एट पार्टनर नेशंस कौन कौन से इंडिया चाइना ऑस्ट्रेलिया जापान न्यूजीलैंड साउथ कोरिया रशिया एंड यू ठीक है तो फिफ्टींथ एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग ये थी जो ब्रूनई के द्वारा होस्ट की जा रही थी एज इट इज़ द चेयर ऑफ द एशियन ग्रुप दिस ईयर ठीक है ब्रूनई क्या है चेयर मतलब इसको होस्ट कर रहा है एशियन ग्रुपिंग को एंड ए डी एम एम प्लस फॉरम एम्स टू स्ट्रेंद सिक्योरिटी एंड डिफेंस कॉपरेशन फॉर पीस स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट इन द रीजन तो इनॉग्रल जो ए डी एम एम प्लस वॉज हुआ था वो सबसे पहले कन्वेंट हुआ था हनोई हनोई कैपिटल है वियतनाम की दो हज़ार दस में हुआ था ये फिफ्टी एशियन है जिसको ब्रोनोई होस्ट कर रहा है और बाकी मैंने जो आपको पार्टनर्स कंट्री हैं वो बता दिए कि एशियन प्लस जब आता है तो क्या आता है इंडिया चाइना ऑस्ट्रेलिया जापान न्यूजीलैंड साउथ कोरिया रशिया यूनाइटेड स्टेट्स ठीक है नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है देख लेते हैं नेटो लीडर्स इंक्लूड अटैक्स इन स्पेस इन देयर म्यूचुअल डिफेंस तो कल हमने हमनेटो एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा था नेटो सबमिट कि अगर इनका मतलब एक आर्टिकल फाइव जो है नेटो ना, ना, ट्रीटी के अंतर्गत तो यह कहता है कि अगर किसी भी थर्टी कंट्रीज हैं इसमें थर्टी अलाइज़ हैं अगर एक पे भी किसी में अटैक हुआ तो वो म्यूचुअली ये सब पर अटैक माना जाएगा है ना तो इसमें उन अटैक्स में अब इन्होंने जो ट्रेडिशनल मिलिट्री अटैक्स तो थे ही ट्रेडिशनल मिलिट्री अटैक्स मतलब जो लैंड पे सी पे या फिर एयर पे होते थे अब मोस्ट रिसेंटली इन्होंने इसमें क्या ऐड कर दिया है साइबर साइबर स्पेस पे ठीक है तो साइबर स्पेस के थ्रू भी अगर कोई अटैक हो रहा है तो खुद पे मतलब पूरी कंट्रीज पे अटैक माना जाएगा अगर किसी एक पे भी हो रहा है एंड कंसिडर दैट अटैक्स टू फॉर्म और विद इन स्पेस कुड बी अ चैलेंज टू नेटो दैट नेशनल यूरो नेटलांटिक प्रोस्पेरिटी सिक्योरिटी स्टेबिलिटी एंड कुड बी एज हार्मफुल टू मॉडर्न सोसाइटी एज कन्वेंशनल अटैक ठीक है तो टू थाउजेंड सेटेलाइट ऑर्बिट कर रही हैं ऑन द अर्थ ओवर हाफ ऑपरेटेड बाई द नेटो कंट्रीज तो ये भी है और दिसंबर टू थाउजेंड नाइनटीन में नेटो लीडर्स ने डिक्लेयर किया था स्पेस टू बी अलाइंस फिफ्थ डोमेन ऑफ ऑपरेशन है ना फिफ्थ डोमेन ऑफ ऑपरेशन ये डिक्लेयर किया है आफ्टर क्या क्या है बाकी के फोर फिफ्थ डोमेन स्पेस हो गया और बाकी आ, फोर स्पेस क्या हो गए लैंड सी एयर एंड साइबर स्पेस तो ये है एटी कंट्रीज के अभी सैटेलाइट्स हैं एंड प्राइवेट कंपनीज आर मूविंग ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे न्यूज ऑन ए आई आर से हो गए और इंडिया ओरल एक्सपोर्ट्स इंक्लूडिंग मर्चेंडाइज एंड सर्विस एस्टिमेटेड टू यूएसडी नाइन्टी एट पॉइंट टू नाइन बिलियन इन अप्रैल में तो ये है आ, बाकी के जो न्यूज हैं वो देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के सो so, हाँ यहाँ पे हम देख लेते हैं कि बेल ग्रांट किया है और यहाँ पे बोला गया है कि बेंच ने क्या बोला है कि एलिगेशन्स अगेंस्ट द एक्यूज डू नॉट प्राइमा फेस ही डिस्कलोज द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस अंडर यू ए पी ए सेक्शन फिफ्टीन मतलब देखो आपने एक काफ़ी टाइम से एक सेक्शन सुना होगा यू ए पी ए को क्योंकि इतना ज़्यादा ड्रैकोनियन लॉ क्यों बोला जाता है क्योंकि इसमें एक क्लॉज ऐसा एक सेक्शन ऐसा है जो सेक्शन है फोर्टी थ्री डी का फाइव ठीक है तो इसमें ये मेंशन है कि अगर किसी पे यू लग गया है तो फिर उसको बेल ग्रांट नहीं हो सकती है ठीक है अब लेकिन यहाँ पे तो इन सबको बेल ग्रांट हो गई चार लोगों को तो क्यों ही क्योंकि यहाँ पे ये जो चार्जेस थे चार्जेस भी तो मतलब जैसे फिफ्टीन जो आर्टिकल यू का जो सेक्शन फिफ्टीन है उसमें टेररिस्ट एक्ट के बारे में जिक्र है एंड सेक्शन सेवनटीन में पनिशमेंट फॉर अगर कोई भी टेररिस्ट एक्ट के लिए के लिए कोई फंडिंग करता है है ना एंड सेक्शन 18 क्या करता है अगर कोई किसी प्रकार का षड्यंत्र करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान 18 में है ऑफ़ द यू एंड देयर फॉर द एडिशनल कंडीशन लिमिटेशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन ग्रांट ऑफ बेल अंडर द सेक्शन 43 डी ऑफ यू डू नॉट अप्लाई तो यहाँ पे ये कि ये अक्यूज़ इन सारी एक्टिविटीज़ में नहीं पाए गए ठीक है ऐसे uh, कुछ भी ऑफेंस इन्होंने नहीं किए हैं तो इस वजह से इनको बेल ग्रांट कर दी गई है एंड नैरोज द अप्लीकेशन ऑफ एंटी टेरर लो सेज इट कैन नॉट बी अप्लाई टू दोज पर्सन हुम द लेजिस्लेट नेवर इंटेंडेड टू पनिश तो यहाँ पे मेन ये बोला गया अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है ये जिसको 2019 में ही अमेंडमेंट किया गया था 2019 अगस्त में 1967 का जो एक्ट था ठीक है और यहाँ पे जो था इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डेजिग्नेट का प्रो, प्रोविजन ऐड किया गया था पहले ये था कि ऑर्गेनाइजेशन को ही हम टेररिस्ट घोषित कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे जो 1967 का था ठीक है उसमें अमेंडमेंट करके ये किया गया एंड बोथ इंडियन एंड फॉरन नेशनल कैन बी चार्ज यू की अगर हम बात करें इट विल बी अपलिकेबल टू द ऑफेंडर्स ऑफ द सेम मैनर अगर टाइम जो है अगर हमारी लैंड इंडिया पे कमिट हुआ है या फिर कोई फॉरेन लैंड पे कमिट हुआ है तो भी सेम मैनर में एप्लीकेबल होगा ठीक है इन्वेस्टिगेशन गेटिंग एजेंसी कैन फाइल अ चार्जशीट शीट इन मैक्सिमम वन एटी डेज आफ्टर द अरेस्ट ऑफ द ड्यूरेशन कैन बी एक्सटेंडेड तो एज़ पर दमेंडमेंट्स टू थाउजेंड नाइन्टीन तो ये इम्पावर कहता है एक्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल एन आई ए के जो डायरेक्टर जनरल है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के इनको ये अप्रूवल दे सकते हैं किसी भी प्रकार की जो भी पर्सन होगा उस केस से रिलेटेड तो उसकी प्रॉपर्टी को सीज करना अटैच करना एंड दे एक्ट एम्पावर्स दफिसर्स ऑफ एन आई ए रैंक ऑफ द इंस्पेक्टर अब टू इन्वेस्टिगेट केसेस ठीक है तो ये भी क्या कर सकते हैं टेररिज्म जो भी मतलब डी एस पी और ए सी पी और अबव रैंक के ऑफिसर हैं इन द स्टेट इस्टेट में में भी ये क्या कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है तो ये सब चीज़ें हैं और इट हैज़ डी डेथ पेनल्टी एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट एज हाईएस्ट पनिशमेंट और एक्ट ये एक तरीके से एब्सोल्यूट पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को बाय वे ऑफ विच इफ द सेंटर डीम्स एन एक्टिविटी एज अनलॉफुल देन इट मे बी बाई वे ऑफ ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर इट सो ठीक है तो ये है और कुछ जो बेसिक मतलब हैं कुछ और बातें इसके इससे रिलेटेड वो हम देखेंगे देन यहाँ पे स्मार्ट आई आई सी यू कर्नाटक स्टार्टअप यूज, 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 यूज टेक स्टार्ट टू फिल इन फॉर शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड स्पेशलिस्ट तो यहाँ पे काफ़ी एक थर्टी सेवन ईयर ओल्ड डॉक्टर्स है ध्रुव जोशी एंड दिलीप रमन तो इन्होंने क्या किया है एक कंपनी सेटअप की है स्टार्टअप स्टार्टअप का नाम है क्लाउड फिजिशियन ठीक है तो क्लाउड फिजिशियन है और इन्होंने मतलब क्या किया है कि जो भी जैसे अगर ऑक्सीजन uh, प्रेशर है आई, आई सी यू में जो जो भी मतलब पेशेंट है तो उसका अगर वहाँ पर आई सी यू में क्या हो रहा है क्रिटिकल लेवल तक वो फॉल हो रहा है मतलब शॉर्टेज हो रही है ठीक है तो उसी टाइम पे उनको अलर्ट पहुंचेगा और कंडीशन uh, मतलब सीवियर ना हो उससे पहले ही क्या करेंगे मॉनिटर uh, किया जाएगा जो भी वेंटिलेटर्स हैं और ऑक्सीजन जो है डिलीवर की जाएगी पेशेंट को वाज मच बिलो द लेवल दैट हैड बीन सेट तो यहाँ पे यह है, Cloud Physician in, uh, 2017, ये है क्लाउड फिजिशियन इन टू ये कंपनी सेटअप की थी इन दोनों ने तो ये एक है ये ओहियो में अभी ये help, Ohio में है ना ओहियो में बैठ के यहाँ इंडिया के लोगों की हेल्प कर रहे हैं तो नेक्स्ट एम पी डिस्ट्रिक्ट ब्रिंग्स मोर चिल्ड्रन अंडर कोविड रिलीफ अमरेला तो मुस्कुराता मंदसौर ठीक है तो ये इनिशिएटिव अगर पूछा जाता है कहाँ का है तो मंदसौर मुस्कुराता मंदसौर भोपाल एम uh, पी का है मध्य प्रदेश तो ये क्या करेगा विल ऑफ़र टू थाउजेंड मंथली फॉर नेक्स्ट टू ईयर्स इंश्योर फ्री एजुकेशन ठीक है तो ये लॉन्च किया है प्राइवेट uh, डोनर्स की हेल्प से और टू थाउजेंड जो देगा ये चिल्ड्रन को देगा एज़ वेल एज़ इंश्योर दे फ्री एजुकेशन इन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल तो Uh, अभी क्योंकि कोविड में बहुत सारे जो बच्चे हैं वो उनके क्या हो गई पेरेंट्स की डेथ हो गई है ना तो इस वजह से उनके लिए ये है एंड एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम क्या है इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम ये भी टू थाउजेंड मंथली फॉर चिल्ड्रन डीलिंग विद द लॉस ऑफ पेरेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेस ये भी देता है दिस स्कीम कोडेंट एक्सटेंड मोर एड एज ओनली टेन लैख इज़ अलॉटेड पर डिस्ट्रिक्ट एनुअली अंडर हेड ठीक है तो मुस्कुराता मंदस और इनिशिएटिव है ट्वेंटी लैख ,00 इसने, इसने रेज किए हैं डोनेशन के थ्रू एंड देन मॉरल हाई कोर्ट एंड वेन जेल इज़ द रूल तो ये दोनों आर्टिकल सेम जो डेली हाई कोर्ट का जजमेंट है एक्टिविस्ट को जो अरेस्ट किया था है ना तो उनको बेल देने से रिलेटेड ही ये है यहाँ पर बोला गया है कि डेली हाई कोर्ट बेल ऑर्डर स्पीक्स डायरेक्टली एंड वाइसली टू तो फंडामेंटल कंसर्न वेपेनाइजिंग टेरर लॉ इज़ हमारे अगर मतलब हम जो टेरर लॉ है उनको हम यूज़ करें उनको वेपनाइज़ करें है ना तो ये हमारे डेमोक्रेसी पे डायरेक्टली अटैक है जैसे हम यू करते हैं है ना या फिर हम एन जो लगाते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट तो बहुत बेसिक बेसिक चीज़ों पे हम लगाते हैं तो एक तरीके से अगर जो डिसेंट है उनकी आवाज़ को भी बंद करने के लिए अगर लॉ लगा दिया गया टेररिस्ट लॉ तो ये हमारे लोकतंत्र पे डायरेक्टली अटैक किया जा रहा है और इसके काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट और सोसाइटी मतलब पूरी सोसाइटी पर पड़ते हैं और एनजाइटी इससे क्रिएट होती है ना तो यहीं पर ऑथर का ये सब कहना है कि आप मतलब क्या देखते हो दोनों को ही एक तरीके से देखते हो मतलब इट सीम्स दैट एन एन्जाइटी टू सप्रेसेंट इन द माइंड ऑफ द स्टेट द लाइन बिटवीन द लाइन बिटवीन जो एक तो हमारे क्या है कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड किए गए हैं राइट टू प्रोटेस्ट और टेररिस्ट एक्टिविटीज सीम्स टू बी गेटिंग सम वट ब्लर्ड तो ये एक तरीके से इसमें क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है दोनों को मतलब मिक्स करके दे मे क्या मतलब जो प्रोटेस्ट करना एक तरीके से उसको अलग अलग तरीके से देखा जाना चाहिए लेकिन वो चीज़ नहीं हो पा रही है अभी है ना सो so, आसिफ इकबाल तन्हा नता शन अरवाल और देवंगाना कालिता तो इन तीनों स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे इन, इनको ऑफ जून को हाईकोर्ट ने बेल ग्रांट की है और लैंडमार्क ऑर्डर ये था एंड करेज लीगल बैटल फॉर्ड फ्रॉम प्रिजन फॉर ओवर ए ईयर ठीक है तो पिछले साल से जब से एन के मतलब प्रोटेस्ट में ये लोग इन्वॉल्व थे और इन, इनको फिर ड्रैकोनियन uh, जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट नाइनटीन का था उसके तहत इनको अरेस्ट कर लिया गया था और फोर्टी का फाइव डी फाइव जो है यू का विच डिनाइज बेल है ना डिड नॉट अप्लाई क्यों नहीं हुआ अप्लाई क्योंकि यही बोला क्योंकि ये ये लोग ने क्या बोले केवल डेफिनेशनल वर्ड्स और फ्रेजेस बोले है ना जो कि कोई भी मतलब एक्सट्रीमली हीनियस ऑफेंस या फिर टेररिस्ट एक्ट को मतलब ट्रेवलाइज नहीं करते हैं तो इन्होंने डेफिनेशनल वर्ड और फ्रेजेज ही बोली हैं और इस वजह से यहाँ पे जो है बेल यहाँ पे हो सकती है बेल को डिनाई नहीं किया जाएगा ठीक है तो यही मेन यहाँ पे क्रक्स था इस आर्टिकल का नताशा नरवाल के केस में डेली हाँ कोर्ट ने रिमाइंड किया कि दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ बेल इज नेदर प्योनेटिव नॉर प्रिवेंटिव बट इज़ प्रिंसिपली जो एक क्या करना जो एक्यूज है उसकी प्रेजेंस को सिक्योर करना ठीक है एंड दैट पनिशमेंट बिगेन्स ओनली आफ्टर कन्विक्शन एंड दट एवरी वन इज डीम टू बी इनोसेंट एंडल ड्यूटी ट्राइड एंड फाउंड गिल्टी तो बहुत सारे जो एक्टिविस्ट और एकेडमिक्स हैं वो अभी तक क्या है स्टूडेंट्स वो इमप्रेजेंट हैं अंडर द डोनियन एक्सेप्शनल लॉज इन कोविड इन्फेस्टेड प्रिजें ठीक है in prisons, और अभी तक उनके मतलब कोई क्लैरिटी नहीं है कि आगे क्या होगा जैसे कुछ क्या होते हैं प्री ट्रायल प्रिजनर्स होते हैं या फिर अंडर ट्रायल्स भी बोल सकते हैं तो मोस्ट ऑफ़ द अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन की बात करें तो अभी यही लोग वहाँ पे हैं अंडर ट्रायल इज़ लिटरली बरीड अंडर द वेट ऑफ द ट्रायल बिफोर इट स्टार्ट एंड इट कॉमन नॉलेज कि वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से पनिशमेंट की अन यूजल फॉर्म हो जाती है और जो कि नहीं मतलब टाइमली पता नहीं चल पाता कि कब उसका सोलूशन निकलेगा मतलब एक तरफ आप ये बोलते हो ना कि जो आ, क्या होना चाहिए प्रॉपरली इट हैज़ बीन द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल क्लास कि लॉ मस्ट टेक इट्स ड्यू कोर्स लेकिन जब तक लॉ टेक्स एट ड्यू कोर्स तब तक क्या हो जाता है जो स्पीडी ट्रायल का राइट है वो विटिएट हो जाता है आप स्पीडी ट्रायल तो नहीं कर पाते हो अब इन सारे केसेस में क्या होता है जो विटनेस भी होता है तो विटनेस या फिर पुलिस ऑफिशियल्स होंगे या फिर कोई प्रोटेक्टेड विटनेसेस होते हैं तो स्टूडेंट जनरली उनके पास ये पार नहीं हो पाती हैं कि इन इन तरीके के वो विटनेसेस या फिर एविडेंस को टैम्पर कर सकें ठीक है इस तरीके से वो फाइट नहीं कर पाते हैं और जो यू है टू होल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूट कोर्ट्स कैन ग्रांड बिल्ड टेरर सस्पेक्ट्स वैन देयर राइट टू स्पीडी ट्रायल इज वायलेटेड तो ये एक बार एक जजमेंट में भी बोली गई थी यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज के नजीब जंग ट्वेंटी ट्वेंटी वन द सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन तब इन्होंने बोला था कि अगर आप मतलब किसी को टेरर सस्पेक्ट कर रहे हो करार दे रहे हो ठीक है लेकिन आपका जो उसका जो राइट right है कि स्पीडी ट्रायल होना चाहिए वो वायलेट हो रहा है तो तब यहाँ पे बेल दी जा सकती है तो ये सब बातें हैं और स्टेट uh, की जो पिनल पॉलिसी है उसको चेंज होना चाहिए और सच दैट जेल इज एन एक्सेप्शन रेदर प्री ट्रायल प्रिजनर्स है ना तो ये सब चीज़ें हैं और द नाउ रूटीन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ डिसेंट एंड फ्री स्पीच तो ये सब है स्टैंडिंग विद द चिल्ड्रन गवर्नमेंट इंटरवेंशन आर नीडेड फॉर दोज दोन बाई कोविड अब यहाँ पे ऑथर मयूरलता जीवन कामले ये एम फिल स्कॉलर हैं तो उन्होंने ये कहना है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है ऑर्फन जो हुए हैं बच्चे अनाथ कोविड नाइन्टीन की वजह से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी मई ट्वेंटी एट की कि गवर्नमेंट को यहाँ पे इंटरवेंशन देना चाहिए और तो यहाँ पे बोला था कि चिल्ड्रन को स्पेशली प्रोटेक्शन मिलना चाहिए कोविड नाइन्टीन पैंडमिक के टाइम पे एंड uh, और यहाँ पे मतलब सबसे पहले क्या होता है देखो इंडियन सोसाइटी जो है हमारी कास्ट और फैमिली स्ट्रक्चर पे बेस्ड है अगर कोई भी बच्चा अनफॉर्चुनेटली uh, अनाथ हो जाता है तो सबसे मेन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन क्या होता है उसके पेरेंट्स के बाद कि किस तरीके से वो सर्वाइव करेगा कौन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा क्योंकि उसका कोई सपोर्ट नहीं होता है ना विदाउट फैमिली कैसे वो स्टार्ट करेगा उस सिचुएशन में उसको कोई भी डायरेक्शन देने के लिए नहीं है नो वन इज़ देयर फॉर टू मतलब कोई भी गाइडेंस उसको नहीं दे सकता है सो इफ अ चाइल्ड एंटर्स एन इंस्टीट्यूट एंड फाइंड्स अ प्लेस इन हॉस्टल बियॉन्ड द इमीजिएट फिजिकल नीड्स तो वो वहाँ पर एक एपसेंस फेस करता है कि जिसके साथ मतलब वो सारे जितने भी कोई भी उसके पर्सनल प्रॉब्लम है वो कन्फाइट कर सके और हॉस्टल ऐसा फर्स्ट और लास्ट रिजॉर्ट होता है सर्वाइवर के लिए और फॉर चिल्ड्रन के लिए बट बहुत सारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने भी क्या किया है वो चाइल्ड को अलाउ नहीं करते हैं उनकी मतलब अगर एज एटीन से कम हो ठीक है बियॉन्ड द हॉस्टल बियॉन्ड द एज ऑफ एटीन आफ्टर दे ग्रेजुएट फ्रॉम स्कूल और कॉलेज दे हैव नो होम टू रिटर्न टू तो ये है Uh, मतलब 18 के बाद वो नहीं अलाउ करते हैं क्योंकि उनके पास देखो बाद में कहाँ वो क्या जाएंगे किस होम में कहाँ रहेंगे वो सब भी एक क्लैरिटी नहीं हो पाती है मैनी ऑफ देम फेस प्रॉब्लम्स विद गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स कुछ के साथ ऐसे इशू इस हो जाते हैं कि उनको डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता है पेरेंट्स का आधार कार्ड पैन कार्ड जैसे इशूज़ इस ये सब चीज़ें भी होती हैं तो यहाँ पर uh, उनकी जो एक चांस था मतलब कि या तो वो अपने मतलब एक सपोर्ट सिस्टम उनका होना चाहिए या फिर वो क्या करते हैं अगर नहीं होता है तो उनकी कोई ऐसा ज़रूरी है कि कोई बिल्कुल गरीब अनाथ बच्चा है तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ही निकले चाहे उसने कितनी भी मेहनत की हो लेकिन उसकी लाइफ जो है कि स्ट्रगल में ही गुजर जाती है और कभी कभी ऐसा होता है कि रॉन्ग चॉइसेस भी वो चूज़ कर लेता है उस टाइम पे है ना उस so, लीड्स ये क्या करती है पावर्टी गरीबी हो जाती है और और बुरी स्थिति भी हो सकती है तो एक एजुकेशन के लिए मतलब अगर किसी को सम सम पीपल आर लकी कि उनको एजुकेशन मिल जाता है फिर एजुकेशन में हायर एजुकेशन भी उनको मिल जाता है लेकिन उसके बाद भी वो स्ट्रगल करते रहते हैं और बहुत रेयर केसेस में होता है कि पूरे सक्सेसफुल हो जाए द गवर्नमेंट इज़ लीगली बाउंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है तो यहां पे बोला गया है कि गवर्नमेंट जो है लीगली बाउंड है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत तो आपको चिल्ड्रेन के वेलफेयर के लिए काम करना होगा एंड महाराष्ट्र महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ चार्ज द रूल एंड अलाउड और फॉर चिल्ड्रन टू स्टे इन हॉस्टल टिल द एज ऑफ ट्वेंटी थ्री ठीक है तो ये है पॉलिसी इंटरवेंशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है प्लस कोऑर्डिनेशन की सर्वे होना चाहिए और फॉर चिल्ड्रेन का डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल्स पे है ना और रजिस्ट्रेशन होने चाहिए इंफॉर्मेशन की कितने मतलब चाइल्ड फैमिली प्रॉपर्टी ऑफ द चाइल्ड सप्लाई और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स ऑन टाइम ये सारी चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए एक परमानेंट फंड बनाना चाहिए जो चिल्ड्रेन है उनके लिए और इन द लाइन ऑफ सी एम वेलफेयर फंड एंड एक आई एस लेवल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेटअप करनी चाहिए टू केटर द इश्यू ऑफ ऑर्फन चिल्ड्रेन परमानेंटली uh, है ना इज़ ऑल्सो अर्जेंट तो ये सब है दीज पॉलिसी चेंजेस आर नॉट ओनली नेसेसरी बट इम्पॉर्टेंट इफ़ द स्टेट विशेज टू इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन तो एक ग्रेव नीड है इसकी और इनके लिए मतलब टू सपोर्ट ऑफ द गवर्मेंट इज इसेंशियल टू लाइफ सो दैट दे कैन गेट द राइट फुल अपॉर्चुनिटी ठीक है तो मेन सब यहीं पर ये सब बातें बोली गई हैं स्किल डेवलपमेंट हायर एजुकेशन और इन सब पे भी है फोकस करना होगा इक्वलिटी इज एवरी वन वर्क तो यहाँ पे नेशनल साइंस डे ट्वेंटी ट्वेंटी को कब मनाया जाता है ये क्वेश्चन आपके लिए है ठीक है कब मनाया गया था नेशनल तो यहाँ पे वुमेन साइंटिस्ट के लिए डेडिकेट किया गया था इसको वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री स्मृति ईरानी ने अनाउंस किया था कि 11 वुमेन साइंटिस्ट वुड बी ऑनर्ड विद नेशनल चेयर्स ठीक है प्रोफेसरशिप्स शिप्स नेम्ड आफ्टर हिस्टोरिकल वुमेन साइंटिस्ट तो यहाँ पे लास्ट अभी वीक में जो एथ ऑफ जून को आई बॉम्बे ने अनाउंस किया कि वुमेन ओनली चेयर यहाँ पे नेम्ड किया जाएगा आफ्टर डोनर अमित दीक्षित ठीक है तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट uh, था वी फॉर्मली बिलीव दैट अ डाइवर्स एंड इंक्लूसिव वर्क बिल्ड बेटर बिज़नेसेस ठीक है तो जो स्टेम है स्टेम क्या होता है डैट इज़ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स तो इस वाले सेक्शन में जो वुमेन की पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है यहाँ पे जेंडर डिस्पेरिटी बहुत मेजर कंसर्न यहाँ पे है और वुमेन नियरली फिफ्टी परसेंट uh, ऑफ साइंस जो पी एच डी एम्प्लॉयड है इंडिया में हायर एजुकेशन में वो फिफ्टी परसेंट है बट ग्रैनुलर स्टैटिक्स फ्राम फिजिक्स इंजीनियरिंग एंड द इंडस्ट्रियल वर्क फॉर शो अ लार्ज जेंडर गैप दैट वाइडन्स फर्दर एट द हायर मतलब हायर एजुकेशन में नहीं है आज के टाइम में भी मतलब ये अज्यूम कर लिया जाता है कि जो मेन एंड वुमेन है तो इनमें से मेनली जो प्राइमरी केयर गिवर्स हैं वो कौन है वुमेन है ठीक है तो वुमेन ही मतलब अपने प्रोफेशनल जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको क्या करेगी सैक्रीफाइस करेगी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं है ना उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करेगी जो पर्सनल लाइविलिटीज़ के लिए और उनके जो प्रोडक्टिविटी रिकॉर्ड है एक्चुअली वो यही शो करता है इट इज़ स्टिल कंसिडर्ड ओके टू जज द पेरेंटल और लाइफ पार्टनर तो उसके पेरेंटल या फिर लाइफ पार्टनर का स्टेटस भी देखा जाता है वुमेन साइंटिस्ट के अगर उनको कोई हायर Uh, कोई लीडरशिप पोजीशन पे अपॉइंट करना होगा है ना तो ये सारी बातें यहाँ पे ऑथर के द्वारा कहनी है कि डिस्पैरिटी शुड बी एवरीबडी इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज़ ऑल टू कॉमन टू रिगार्ड इट द एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन टू हायर मोर वुमेन टू इन्वाइट वुमेन टू कॉन्फ्रेंस एंड एडिट बुक्स एंड इवन टू मैंटर यंग वुमेन तो ये सभी के लिए रिस्पॉसिबिलिटी मैन की भी होनी चाहिए कि वो जो जेंडर डिस्पैरिटी है क्योंकि वो एक जो मेरिटोक्रेसी है उसी का आउटकम वो माना जाता है ठीक है

ओवर हाउ मच ऑफ अ गवर्नमेंट सब्सिडी ईच कैन प्रोवाइड फॉर इट्स एयरक्राफ्ट manufacturing giant ठीक है बोइंग इन द यू एस एंड एयर बस इन द यू अभी क्योंकि देखो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर बहुत सारे जो सैक्शन थे वो भी लगे थे और टू टू थाउजेंड एटीन में एक और डिसीजन था जहाँ पर इम्पोर्ट टैक्सेस लगे थे फॉरन स्टील एल्यूमिनियम अलु, पर uh, तो उस पर भी कोई बातचीत नहीं हुई ठीक है लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो बातचीत हुई यू एस ई यू सम्मिट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू इंक्लूड अ जो जहाँ पे मतलब चाइनीज़ का प्रोवोकेटिव बिहेवियर है तो इस पर भी वो बात करेंगे एंड नेटो समिट में जो हुआ यहाँ पे चाइना को बोला गया कॉन्स्टेंट सिक्योरिटी चैलेंज है ठीक है लेकिन चाइना टू नेटो क्या बोल रहा है कि आप जो है ये एग्ज्रिएट एग्जग्रेट करना बंद करो ये थ्रेड थ्योरी को एंड हम जो है बहुत पीसफुली डेवलपमेंट करते हैं उसी पे हम बिलीव करते हैं और इस तरीके की थ्योरी चाइना थ्रेड थ्योरी ये सब आप बंद करो अपने ग्रुपमिंग में है ना सिस्टमेटिक चैलेंजेस जो आप बात कर रहे हो बार बार चाइना डाउन प्लेंस रिपोर्ट्स ऑफ द लीक एट ताइशान न्यूक्लियर प्लांट तो यहाँ पर बोला गया कि हम सेफ्टी uh, स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं उसके तहत हम काम कर रहे हैं कोई भी यहाँ पर इस तरीके की इन्वामेंटल रेडिव लेवल जो है नहीं uh, uh, मतलब लीक नहीं हुआ है और आई uh, ए एंड द कन्वेंशन ऑन न्यूक्लियर सेफ्टी एंड अदर मल्टीलेटरल मैकेजम ठीक है तो इसके तहत ही हम काम कर रहे हैं न्यूक्लियर सेफ्टी एक बार आई ए दैट इज इंटरनेशनल एटोमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में देख लो इज uh, अब uh, ये क्या है मेन देख लेते हैं वर्ल्ड एटम्स फॉर पीस बोला जाता है सेटअप एज द वर्ल्ड एटम फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन 1957 फिफ्टी सेवन का विदिन यूनाइटेड नेशन फैमिली इट रिपोर्ट्स टू बोथ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल दोनों को ही रिपोर्ट करता है हेड का वियना ऑस्ट्रेलिया में है फंक्शन यही के सारे मेंबर्स जो स्टेट होंगे उनके साथ काम करना मल्टीपल पार्टनर्स वर्ल्ड वाइड टू प्रोमोट दिसफ सिक्योर एंड पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ठीक है ट्वेंटी टू मेम्बर स्टेट इसमें होते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर और जोग्राफिकल डाइवर्सिटी पे बेस्ड तो हो ये होता है इलेक्टेड बाय द जनरल कॉन्फ्रेंस 11 मेंबर्स एवरी ईयर टू ईयर टर्म होता है टेन मेंबर स्टेट्स होते हैं एटलीस्ट जो आउट गोइंग बोर्ड के द्वारा ही होते हैं ठीक है देन यहाँ पे एक न्यू शेफर्ड जो एक रॉकेट सिस्टम है उसके बारे में पता होना चाहिए आपको अब देखो जेफ़ बेजोस जो अमेजोन के हैं तो उनकी एक कंपनी है ब्लू ऑरिजन ठीक है स्पेस सेगमेंट में तो स्पेस कंपनी है ब्लू ऑरिजन तो इन्होंने रिसेंटली एक ऑक्शन ऑनलाइन ऑक्शन कंडक्ट की थी कि फर्स्ट सीट और न्यू शेफर्ड रॉकेट सिस्टम जो टूरिस्ट को लेके जाएगा स्पेस में तो जेफ़ बेजोस और इनके जो ब्रदर हैं उनके साथ अगर जो भी विनिंग बिडर होगा तो वो जाएगा फर्स्ट ह्यूमन फ्लाइट होगी जुलाई ट्वेंटी को विच मार्क्स द फिफ्टी सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ नील एमस्टॉक एंड बज एल्ड्रिन मून लैंडिंग ठीक है तो शेफर्ड ब्लू ऑरिजन सिस्टम ने बिल्ड किया है एंड रॉकेट सिस्टम है मीन टू टेक टूरिस्ट टू स्पेस सक्सेसफुली एलन शेफर्ड के नाम पर बनाए ये फर्स्ट अमेरिकन थे टू गो टू स्पेस और ऑफर्स फ्लाइट्स टू स्पेस ओवर हंड्रेड किलोमीटर अबव द अर्थ ठीक है तो कारमन लाइन जिसे बोलते हैं क्या बोलते हैं कारमन लाइन को द इंटरनेशनली रिकोगनाइज बाउंड्री ऑफ स्पेस ठीक है तो यहाँ तक ये मतलब जाएगा और काफी इंपॉर्टेंट ये मिशन है ठीक है तो आज